हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स ये जो आप देख रहे हैं ये सब मीटर है जिसका यूज अपन एनर्जी मेजरमेंट के लिए करते हैं। जब घर को किराया वगैरह में देते हैं तो अगर सेपरेट मीटर लगाना रहता है तो उस कंडीशन में अपन इस टाइप का मीटर यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स आज सिंपली अपन इसको ओपन करके देखेंगे और मतलब इसमें देखेंगे कि ये वर्क कैसे करता है, बेसिकली इसका वर्किंग क्या है, क्या इसको अपन किसी तरीके से हैक कर सकते हैं, इसका मतलब जो रीडिंग है उसको कम या ज़्यादा किसी भी तरीके से क्या कर सकते हैं, ये नहीं ये भी अपन देखेंगे। तो फ्रेंड्स बने रहिए वीडियो में लास्ट तक, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देख सकते हैं ये जो है, ये जो दोनों दिया है वो इनपुट का है, मतलब इसमें फेज लगेगा, इसमें न्यूट्रल लगेगा, और ये जो दूसरा वाला है ये इसका आउटपुट है, इसमें न्यूट्रल आउट होगा, इसमें फेज आउट होगा। तो फ्रेंड्स अभी इसको देखते हैं और इसके अंदर क्या क्या है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं इसका जो पूरा रेटिंग वगैरह है, किस तरीके से इसको अपन नोट करते हैं, मतलब रीडिंग लेते हैं, वो सब कुछ दिया हुआ है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये जब ये ना ये जो एक यूनिट को शो करता है, ये वन लिखा है, और ये जो है 10 यूनिट टाइप का, तो इसमें कितना 3511 यूनिट है, और ये जो रेड वाला रहता है वो मतलब एक यूनिट का 10वां भाग को शो करता है। ठीक, तो ये जो है यूनिट जब भी अपन काउंट करते हैं ना तो ये जो रेड वाला है उसको छोड़ के काउंट करते हैं इधर को सिंपली, तो ये क्या है 3511 दिख रहा है, ये जो 6 है उसको छोड़ देंगे, जब ये 6 पूरा मतलब 10 हो जाएगा तो ये कंप्लीट ये 11 का जो है वो 12 में उसको कन्वर्ट कर देगा। तो इस टाइप का इसका रीडिंग लेते हैं। तो चलिए ठीक है, सिंपली मैं इसको अभी ओपन कर ले रहा हूँ। तो यहाँ अभी आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या मतलब सामान लगा हुआ है। तो सिंपली ये जो IC है, PCB के साथ IC लगा हुआ है, देख सकते हैं आप यहाँ, और IC के साथ और कैपेसिटर्स लगा हुआ है, और ये एक क्रिस्टल ऑसिलेटर लगा हुआ है, ये जो इसका गियर बॉक्स है ये वाला, अभी आप ये कैपेसिटर लगा हुआ है, इसमें कुछ रेजिस्टेंस भी लगा हुआ है, डायोड भी लगा हुआ है एक दो, कुछ LEDs लगा हुआ है। तो सबसे पहले आप देखेंगे इसमें किस तरीके से इसका कनेक्शन हुआ है। तो इसमें जो न्यूट्रल है उसको देख सकते हैं, जैसे ही आउटपुट गया है वैसे ही सेम टू सेम यहाँ से कनेक्ट होके बाहर आ गया है। ठीक, ये इसका न्यूट्रल पॉइंट है, और इसका जो फेस पॉइंट है वो भी सीधा गया हुआ है और डायरेक्टली वापस आ गया है। बस इसके जो बीच में ना ये एक कॉइल लगा हुआ है, ये वाला कॉइल, ये क्या करता है, ये करंट मेजरमेंट करता है, जितना भी करंट आप लोड लगाते हैं ना उसके हिसाब से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ठीक, उस मैग्नेटिक फील्ड को ये सेंस करता है, और ये जो IC है उसको आप देख सकते हैं, यहाँ एक IC लगा हुआ है, वो सिग्नल को कितना ये मैग्नेटिक फील्ड सेंस किया उसको ये इस IC को भेजता है, और ये IC ऐसा प्रोग्राम्ड हुआ है उसके हिसाब से ये जो इसको ना क्लॉक सर्किट जो है उसको सिग्नल भेजता है, और फिर ये जो है ना क्लॉक जो है वो उस हिसाब से क्लॉक सिग्नल किसको देता है, यहाँ से आउटपुट करता है। ठीक, इस वाले में तो यहाँ जो मोटर लगा हुआ है वो उसको सेंस करता है, और उस हिसाब से ये जो मीटर है वो आगे बढ़ता जाता है। ठीक है, और ये जो आप रेड एंड ब्लैक वायर देख रहे हैं जो क्या है, सिंपली इसी में आया है PCB में, तो ये क्या है PCB को ऑपरेट करने के लिए जो पावर चाहिए वो ये यहीं से लेता है आपसे। तो अभी अपन इसको ओपन करके देख लेते हैं, ये कॉइल को भी ओपन करके देख लेते हैं किस तरीके से रहता है फटाफट। फ्रेंड्स देख सकते हैं ये जो कॉइल है इसका ना, यही इसका मेजरमेंट करता है करंट का, कि कितना करंट वहां से गया है, कितना मैग्नेटिक फील्ड वहां बना, उसके हिसाब से ये IC को सिग्नल भेजता है। तो अभी आप देख सकते हैं ये जो मतलब सिंपली कॉइल ही रहता है, जब अपन इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाते हैं, मान लो अगर चुंबक वगैरह लाते हैं तो इसका रीडिंग में चेंज हो सकता है, इसके अगर पास में अगर अपन मैग्नेट लाएंगे स्ट्रांग मैग्नेट तो ये मतलब रीडिंग लेने में फेल हो जाएगा, या तो ज़्यादा या कम रीडिंग इस तरीके से ये सोक कर सकता है। तो फ्रेंड्स अभी क्या है, देखिए ये जो कॉइल है ना ये सिंपली मैग्नेटिक कॉइल ही है, जो भी सिग्नल आता है ये जो है ये बार लगा हुआ है। ठीक, ये बार के अंदर इस तरीके से डला रहता है इस तरीके से। ठीक, जब लोड पड़ता है ना इसमें तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, और उसी मैग्नेटिक फील्ड को ये सेंस करता है, और सेंस करके IC को भेज देता है, IC उसको जो क्लॉक लगा हुआ है उसमें उसको देता है, और क्लॉक सिग्नल के हिसाब से आउटपुट यहाँ मिलता है इस वाले मोटर को। तो चलिए ठीक है, इसको भी अपन ओपन करके देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या है, फटाफट मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं इसमें जैसे अपन घड़ी में लगा रहता है ना उसी टाइप से इसमें मोटर लगा हुआ है, और जैसे ही इसको क्लॉक सिग्नल मिलता है ये मतलब रीडिंग आगे बढ़ाता जाता है। तो अभी आप देख सकते हैं इसमें भी गियर का अरेंजमेंट है, जो मतलब प्रॉपरली एकदम सिग्नल के हिसाब से ही जितना अपन कंज्यूम करते हैं उतना ही ये मोटर को रोटेट करता है, और उसके हिसाब से ही ये रीडिंग आगे बढ़ता जाता है धीरे धीरे।
तो अभी आप देख सकते हैं इसमें भी एक सिंपल सा मोटर लगा हुआ है और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। और अगर यहाँ भी अगर अपन मैग्नेटिक फील्ड लाते हैं, स्ट्रांग मैग्नेट अगर लाते हैं, तो यहाँ भी इसके रीडिंग पे जो है इफेक्ट पड़ सकता है। ठीक, तो ये क्या है ना, प्योरली सेफ नहीं है। अगर इसके ऊपर अगर अपन मैग्नेट रख देते हैं तो ये या तो ये घूमना बंद हो जाएगा या फिर मतलब ये बहुत तेज़ी से घूमने लगेगा। और यहाँ भी आप देख सकते हैं इसका जो इनपुट से आउटपुट के बीच कोई भी मतलब ऐसा पार्ट्स नहीं है कि अगर मीटर ये काम करना बंद कर दे तो सप्लाई बंद हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ है। मान लो अगर ये मीटर ख़राब भी हो गया तो इसको कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सप्लाई प्रॉपर लोड साइड जाता ही रहेगा। चलिए इसको मैं फटाफट वापस से फिट कर दे रहा हूँ। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।